हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉली और डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूं सर्दी का मौसम देखते हुए वेजिटेबल सूप बिल्कुल नए अंदाज में। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 गाजर, 1 शिमला मिर्च, थोड़ी सी ब्रोकली, थोड़ा सा गोभी, थोड़ा सा पत्ता गोभी और 2-3 मशरूम। आप मटर भी ले सकते हैं, बट मैंने सिर्फ यही लिया है। बाद में थोड़े से कॉर्न भी डालेंगे, स्वीट कॉर्न। तो चलिए हम सूप को बनाना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल नए तरीके से। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं इसके लिए स्टॉक तैयार करूँगी, वो ऐसे कि जो सब्जियों की स्टेम्स हैं, जो पार्ट गिराने वाला है ना, जैसे गाजर का बैक हिस्सा है या गोभी के डंठल हैं या मशरूम की स्टेम्स हैं, इनको सबको मैंने कर लिया अलग। तो चलिए बनाते हैं इससे सूप। हाँ जी, तो मैंने स्टॉक्स के लिए ये सामान लिया है। आप वैसे मैंने ये धनिया लिया है, मेरे पास ऐसे धनिया की पत्तियाँ थी, डंडी, ये जो डंडी सी इसकी होती है ना, इसके समेत। अगर आप इसके पीछे की जो स्टेम्स होती हैं उसे ले सकते हैं, बट मेरे पास इस टाइम नहीं पड़ी थी तो मैंने इसी तरह से लंबी लंबी, यानी धनिया साफ़ नहीं किया, ऐसे ही लंबी लंबी ले लिए इसके जो डंडी के समेत लिए हैं। तो इस तरह से आप धनिया ले सकते हैं या धनिया की बैक साइड जो होती है वो भी ले सकते हैं। ये मैंने कुछ गोभी के, आप देख रहे हैं डंठल टाइप जो बैक थी, और ये गाजर है, गाजर का भी जो पिछला हिस्सा है, ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, ये देखो। लेकिन इसको वॉश अच्छे से कर लेना। इसी तरह से मैंने ये ब्रोकली का भी डंठल ले लिया, इसका शिमला मिर्च का भी डंठल ले लिया है, साथ ही मैंने जो बीच में ब्रोकली है, ब्रोकली का भी डंठल जो बीच में काट लिया है। सारी चीज़ों को मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है, ठीक है। अब इसका हम स्टॉक तैयार करेंगे कैसे, तो इसको हम डाल लेते हैं एक पैन में, और इस पैन के अंदर हम डाल लेते हैं ये सारा सामान, ठीक है। ये सारा सामान डाल के गैस को कर लेते हैं ऑन। इसके अंदर डाल देंगे करीब 2-2.5 गिलास पानी, ये मैं 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में सूप बना रही हूँ तो मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही डाला। तो इसके अंदर मैं अब डालूँगी क्या, थोड़ी सी हींग, वो भी अच्छे से बॉईल हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप हींग, ये मैं हींग डाल रही हूँ, और इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक भी, और कम से कम ये 1 चम्मच छोटा नमक डाल दिया है। कम से कम इसको आधा घंटा बॉईल होने देंगे लो फ्लेम पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसके अंदर 4-5 कलियाँ लहसुन की भी डाल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि लहसुन डालना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप अपनी मर्ज़ी से डालने या स्किप करें, बट लहसुन बीच में डाला हुआ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है सूप। तो फ्रेंड्स, आधा घंटा हो गया है, अब स्टॉक्स जो है हमारा ये तैयार है, इसे हम अलग रख लेते हैं, ठीक है। और अब एक कढ़ाई को रखते हैं गैस के ऊपर। तो हमने सब्जियों को कुछ इस तरह से बारीक काट लिया है, आप देख रहे हैं बिल्कुल बारीक काट लिया है। इसको अच्छे से धो के काटा है, उसके बाद भी मैंने इसको एक बार वॉश कर लिया है अच्छे से। ये सारी की सारी सब्जियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, इस तरह से मैंने इन्हें पूरी तरह से काट लिया है। तो अब इसके अंदर, कढ़ाई के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, थोड़ा सा तेल ऐसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना, क्योंकि हम इसके अंदर डाल रहे हैं बटर। तो तेल हमने इसलिए डाला है ताकि बटर जो है वो जले नहीं। अक्सर अगर खाली हम बटर डाल लेते हैं तो बटर जल जाता है। ये हमने 1 चम्मच बटर डाल दिया है, इससे फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है। थोड़ा सा इसको मेल्ट कर लेते हैं। तो बटर हमारा मेल्ट हो चुका है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे सारी सब्जी। इन सब्जियों को हमने हल्के हल्के सोटे कर लेना है, ज़्यादा नहीं, फ्लेम हमें यहाँ पे हाई रखनी है। इसको हल्का सा सोटे करना है, इतना नहीं करना कि ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए, सॉफ्ट नहीं करना, क्योंकि क्रंची ही अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से सिर्फ हम 2 मिनट के लिए इसे सोटे कर लेते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, सब्जियां जो हैं हमारी हो चुकी हैं, हल्की सी भुनी जा चुकी हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी, कौन सा, जो हमने स्टॉक तैयार किया था, ये हम छान लेते हैं। सारा ही पानी इसके अंदर हम डाल देंगे, और यहाँ पे हम थोड़ा सा डालेंगे कॉर्नफ्लोर। ये हमने कॉर्नफ्लोर लिया है 1 चम्मच, इसे पानी में घोल लिया है, और इसे थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे, क्योंकि हम बाज़ार का बना रहे हैं ना, बाज़ार जैसा सूप, इसलिए हमें ये डालना भी ज़रूरी है।
और अब थोड़े से हम डालेंगे इसके अंदर फ्लेवर। फ्लेवर के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस। मैं इसके अंदर एक चम्मच सोया सॉस का डाल रही हूँ, ये देखें, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी हम डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, ये थोड़ा सा हमने ग्रीन चिली सॉस डाल दिया है, और थोड़ा सा रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं आप अगर डालना चाहें तो। यहाँ पे जाएगा थोड़ा सा नमक, क्योंकि सब्जियाँ ऑलरेडी नमकीन होती हैं और सॉसेस जो होती हैं वो भी नमकीन होती हैं, तो इसीलिए नमक बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा। और यहाँ हम डाल देंगे एक पाउच मैगी मसाला। फ्लेम हमने की हुई है हाई, और थोड़े से यहाँ पे हम डालेंगे स्वीट कॉर्न, जिसका फ्लेवर आएगा बहुत ही अच्छा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये हमने अंदाजे से डाल दिया है, आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, यानी आप आधा बाउल आराम से इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपके पास सब्जी कोई और पड़ी है आप वो भी डाल सकते हैं, जैसे कि बीन्स डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं। मेरे पास जो सब्जियां अवेलेबल थी मैंने वो सारी डाल दी हैं। अब इसको अच्छे से कर लेंगे बॉयल। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा जाएगा भुना हुआ जीरा, ये मैंने भुना हुआ जीरा भी डाल दिया है, और इसमें धनिया पत्ता भी डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, ये सूप हमारा तैयार है। इसमें हमने काली मिर्च भी डाल दिया थोड़ी सी, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा भी डाल दिया है, और हरा धनिया भी। और ये हम कांच के बाउल के अंदर इसे सर्व करते हैं। तो आप देख रहे हैं पूरी तरह से ये सूप जो है हमारा मार्केट जैसा रेडी हुआ है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहने का कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ज़्यादा नहीं डाला। अगर आप गाढ़ा करना चाहते हैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डाल सकते हैं, बट मैं ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर रही, क्योंकि घर का सूप है, थोड़ा सा हेल्दी भी होना चाहिए। सिर्फ मार्केट के सूप के अंदर कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये सूप जो है ना बनाया हुआ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसे ट्राई ज़रूर करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।